हेलो स्टूडेंट, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ मैथ की एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नेम है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में पहले बेसिक से जानेंगे। तो गाइज, जितने भी नंबर्स होते हैं दुनिया में, वो दो तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर प्लस वन से आपके मैथ की बुक से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? तो सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है। ठीक है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर की बात करते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक जा रहा? सोन। ठीक है, तो वो 0 इंक्लूड होने के बाद वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, और नेचुरल नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो ऑल नंबर 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब कि अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, रैशनल नंबर के बाद क्या आता है? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब इसको समझो, जैसे मान लो 7.01, 001, 0001, 0001, तो इस तरह से नंबर जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर जैसे √2, √3, √5, तो जितने भी प्राइम नंबर्स का रूट है वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। जितने भी प्राइम नंबर का रूट है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर को अगर हम सिंपल वर्ड्स में, ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। जो किसी की टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। किसी की टेबल में नहीं आते हैं, जैसे 3 है 2 है, किसी की टेबल में नहीं आता 2, 3, 5, 7, ये क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर होते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं कि जिसके वन और इटसेल्फ से अलग कोई और फैक्टर नहीं होता। अगर हम बात करते हैं 2 के फैक्टर के बारे में, 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 और 2। यहाँ पर सिर्फ इसके दो ही फैक्टर हैं। जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो हमने 4 ले लिया, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 4 2 की टेबल में भी जाएगा, 4 4 की टेबल में भी जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 4, यहाँ पर सिर्फ इसके 2 फैक्टर थे, कौन कौन से? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। 1 और नंबर इटसेल्फ से अलग कोई और फैक्टर मिल जाता है वो क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, मान लो अब 6 ले लिया, 6 क्या है? 1 की टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में भी जाता है, 3 की टेबल में भी जाता है, और 6 की टेबल में भी जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि जो किसी की टेबल में आ जाए वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा।
आई होप अब आपको सभी नंबर्स के बारे में जानकारी मिल गई कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, प्राइम, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सभी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर आपको एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है जीरो और बी के बीच में लाई करता है। तो यूक्लिड कौन था, यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको बेसिकली हम कैसे समझते हैं कि वी नो दैट डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर इनटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपको 14 को मल्टीप्लाई करना 3 से, तो कितने पर जाएगा ये, 3 4 जा 12, 4 माइनस 2 2। तो यहाँ पर अगर इसको देखेंगे 14 क्या है, यहाँ पर डिविडेंड है, 14 यहाँ पर डिविडेंड है और 3 क्या है यहाँ पर डिवाइजर, 4 क्या है यहाँ पर क्वेश्चन और 2 यहाँ पर क्या है रिमाइंडर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे बी ए को हम क्या ले लेते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर को हम बी से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन को हम क्यू से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 14 किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर इनटू में क्वेश्चन, डिवाइजर क्या है यहाँ पर 3, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 2। तो 3 4 जा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है एक तरह की ये रिमाइंडर थ्योरम ही है। तो यहाँ पर ए जो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, बी क्वेश्चन हो जाएगा ना, बी डिवाइजर हो जाएगा, क्यू क्वेश्चन और आर रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने एक इंटरेस्टिंग मेथड डिवाइज किया था कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है वो समझ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो क्या होते हैं, एल्गोरिथम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 कप चाय आप कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सबसे पहले हमें गैस ऑन करना पड़ेगा, उसके ऊपर पतीला रखना पड़ेगा, फिर उसमें पानी डालना है, फिर उसमें चाय पत्ती डालनी है, फिर चीनी डालनी है, फिर उसमें दूध डालना है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है चाय बनाने का। तो उसी प्रकार एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं तो वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमें देखना होता है कि यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे दो नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं, तो इन दो नंबर्स, मान लो हमें दो नंबर्स के बीच का क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब सबसे पहला जो स्टेप्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेटर नंबर को डिविडेंड लेना है और जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा, डिवाइजर होगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है देन द डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये स्टेप्स कब तक फॉलो करने हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है हम उसी के तरीके से इसे सीखेंगे। यहाँ पर दो नंबर्स हैं 455 और 42, ठीक है। इन दो नंबर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पर ग्रेटर नंबर 455 है और स्मॉल नंबर को हमने क्या लेना, डिवाइजर। तो 42 को क्या लेंगे हम, डिवाइजर लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा,
5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 5 को उतारेंगे, अब ये नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम इस 455 को कैसे लिख सकते हैं, 42 डिवाइजर इनटू में क्वेश्चन 10 प्लस रिमाइंडर 35, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर था पहले उसको हमने डिविडेंड बना लिया और इसको हम डिवाइजर बनाएंगे, तो ये 1 पर जाएगा, 12 माइनस 5 7। अब हम इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। अब यहाँ पर ये डिवाइजर हो जाएगा और ये 35 क्या हो जाएगा, हमारा क्वोशेंट हो जाएगा। अब 7 5 जा 35, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 35 देखो, यहाँ पर 42 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर डिविडेंड हो जाएगा, अब 35 डिवाइजर हो जाएगा, तो 35 इंटू में क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 7। अब यहाँ पर 35 क्या हो जाएगा, डिविडेंड, 7 हमारा डिवाइजर, 5 हमारा क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर जो लास्ट में हम डिवाइजर होगा, जो लास्ट में डिवाइजर होगा जब रिमाइंडर जीरो आया है तो वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 35 एंड 45 क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या आया, 7 है। तो जब लास्ट में जो रिमाइंडर जीरो आ जाता है उसका डिवाइजर हमें लेना, वो हमारा एचसीएफ होगा। आई थिंक आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों क्लियर हो गए होंगे, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक्स।